सूर्य कुमार यादव यानी सूर्या ने एक बार फिर बता दिया है कि वह T20 फॉर्मेट में इस वक्त नंबर वन बल्लेबाज क्यों हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए दूसरे T20 मैच में सूर्या ने शानदार शतक जड़ा और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। अगर आप सूर्य कुमार के फैन हैं और भारत को मैच जीतते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सूर्य कुमार यादव यानी सूर्या की बात करें तो टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार के बल्ले से रन बरसना जारी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने सेंचुरी जड़ी। यह उनके करियर का दूसरा शतक रहा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 191 रन का बड़ा स्कोर बनाया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 51 बॉल में 111 रन बना दिए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। इस दौरान सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 217 का रहा। आखिरी के 5 ओवर में सूर्य कुमार यादव ने पूरी तरह से तबाही मचा दी और हर ओवर शॉट खेले। इसका अंदाजा आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि सूर्या ने अपनी 50-32 बॉल में पूरी की थी, जबकि 49 बॉल में उनका शतक हो गया था। साथ ही पारी खत्म होने पर वह 51 बॉल में 111 रन बना चुके थे। अपनी पारी की आखिरी 19 बॉल में उन्होंने कुल 61 रन बनाए। वहीं बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए T20 मैच में सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है। उसमें पहला नाम सूर्य कुमार यादव का आता है, जो आज उन्होंने 111 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं दूसरे नंबर पर कॉलिन मुनरो का नाम आता है, जिन्होंने 109 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में साल 2022 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव ने 30 मैच में 1151 रन, 2 शतक और 9 अर्धशतक लगाकर 105 चौके और 67 छक्के की मदद से बनाया है। वहीं दूसरा नाम मोहम्मद रिजवान का आता है, उन्होंने 25 मैच में 996 रन, 10 अर्धशतक की मदद से बनाया है, जिसमें 78 चौके 22 छक्के शामिल हैं। सूर्य कुमार यादव की T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 41 मैच खेले हैं, जिसमें 1395 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं। अभी सूर्य कुमार का रन मशीन चालू है और अभी वो आगे और भी रिकॉर्ड्स बनाएंगे। आपकी इस संबंध में क्या राय है कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।